असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आए हुए एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, जहाँ भी बैठ के वीडियो देख रहे हो, सब के सब एनोनिमस की पब्लिक, ठोक दो लाइक बटन। और अब आप सबके सवाल होगा कि कल वीडियो अपलोड हुई थी तो डिलीट क्यों की? तो गाइस, उसमें ना मैं आपको बताया बैकग्राउंड में साउंड लगाता हूँ, तो उसमें से एक साउंड का वॉल्यूम इतना मुझसे तेज़ रह गया था, तो उसमें मेरी वॉइस ओवर की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, और वो चार मिनट जो थे ना गेम प्ले के एकदम ख़राब हो गए थे। तो बस फिर मेरा ऐसे दिल टूट गया, मैंने कहा इतनी मेहनत की, थोड़ा सा देख ही लेता यहाँ पे, और फिर मैं वीडियो को रिपेयर भी नहीं किया, लाइक उसको मैं पूरा का पूरा डिलीट ही कर दिया। तो बस फिर ऐसे थोड़ा सा सैड हो गया था, तो इसलिए कल गेम प्ले नहीं आया। फिर मैं दोबारा आज रिकॉर्ड किया, ये वाला गेम प्ले आपके लिए नया है, वो वाला मैंने डिलीट कर दिया, बस ऐसे ही एडिटिंग में इशू आ गया था ना, तो बस फिर वहीं से डिलीट कर दिया। तो गाइस, सस्ती शायरी आपको सुनाएंगे। अर्ज़ किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये है बहुत मशहूर कहावत। वाह 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 वाह। जैसी करनी वैसी भरनी, ये है बहुत मशहूर कहावत, ड्रॉप पे जाना यानी अपनी मौत को देना दावत। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। और आप लोग इतने ज़्यादा कमेंट्स करके पूछते हो या आप बनाते कैसे हो या किसी से पूछते हो या क्या नहीं, मतलब गाइस ये सस्ती होती है और ये मैं ख़ुद से बनाता हूँ। लाइक मुझे ना पसंद है पोएट्री लिखना, पोएट्री सुनना, वो सब। तो मैं जो सीरियस वाली होती है ना, वो मैं लिख के रख लेता हूँ डायरी में अपनी ना, लाइक एक डायरी या पर्सनल, उसमें लिख ली। और जो लाइक फिर मेरे लिए फ़नी वाली बनाना ना बहुत ईजी हो जाता है, गेम प्ले एडिट करने से थोड़ी देर पहले सोचा, उसको फिर आप लोगों के सामने वॉइस ओवर कर दिया, और फिर जब मैं सुनाई होती ना, बाद में मैं भी भूल जाता हूँ कि ये मैं बनाई थी, कुछ ऐसा होता है। तो गाइस, हम जा रहे थे नोवो यानी कराची, और यहाँ पे एक स्क्वाड आने वाला, और मैं कह रहा हूँ ये स्क्वाड आप देख के ना, आप ना गीली चुम्मी मुझे देनी पड़ेगी आपको, मैं बता रहा हूँ। कमेंट्स में देनी भी है गाइस, ऐसा नहीं है कि कमेंट्स में नहीं देनी, गीली चुम्मी आपको देनी पड़ेगी। ये नीचे तीन बंदे आ रहे हैं, इनका चौथा बंदा कहीं सेव गया था, और अब वो बाद में इनको चढ़ाएगा, ला 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 ऐसे करके चढ़ाएगा। तो पहले मैं इनसे गन फाइट ले रहा था, बट फिर मेरा दिल ने कहा ना रे बाबा ना, मैं साइड पर आ गया। यहाँ पर गाइस मुझे मिल जाती है S12 के, और लेवल टू का हेलमेट मिलेगा, बैग मिलेगा, और मिलेगा एक फर्स्ट एड किट। इसके अलावा एक ग्रेनेड मिलेगा जो कि बहुत हेल्प करता है स्क्वाड को वाइप करने में, वो कैसे वो आप देखो ज़रा अभी। तो बाबा जी, अगर अभी तक लाइक बटन नहीं ठोको तो ठोक दो, अगर ठोक दे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना वीडियो, बहुत जल्दी हमारी 8 लाख की सब्सक्राइबर्स की फैमिली पूरी हो जाएगी। इस नेट से इस भैया को डाउन किया, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको फिनिश कर दूँ, तो मैं इतना कंफ्यूज हो गया था ना गाइस, तो मुश्किल हो रहा था। लेकिन S12 के आजकल ना पता नहीं क्या हो गया इस गन को, ये पहले जैसे चलती नहीं है मुझसे। तो इसके बाद इसके टीममेट कर रहे हैं मुझ पे रश, तो बाबा जी ऐसे कैसे सर जी, ऐसे कैसे, तीन के तीन आए थे, तीन के तीन डाउन हो गए, चौथा बंदा इनका कहीं जरके वरके गया होगा, और इनको फिर बाद में चढ़ा रहा होगा, ला 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 ऐसे करके इनको तंग कर रहा होगा, और जाओ नो वो। तो गाइस फिर हमने इनकी लूट की मज़े से, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा बच गए हम। मेरी ज़िंदगी वाकई में ख़तरे में आ गई थी, मेरे को लग नहीं रहा था, क्योंकि ये मैं काफ़ी बार मैं गेम प्ले डिलीट किया ना, तो मैं किया दिन में, ठीक है। उसके बाद गाइस मैं ये रात को तकरीबन अभी 10 का टाइम है, और 10 बजे जाके ये गेम प्ले बना, लाइक मैं मर रहा था बार बार, और कुछ ना कुछ हो रहा था गेम प्ले में, लाइक कभी चिकन नहीं हो रहा था, कभी मर रहा था, और फिर ये जब जाके बना तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और यहाँ पर तो लाइक और ज़्यादा हो गई थी, मुझे लग नहीं रहा था बचूंगा, मुझे लगा जैसे पहले मर के आ रहा हूँ ना, इस बार और मर जाऊँगा एक और बार। तो उसके बाद यहाँ पर हमने एक बॉट मारा जिससे हमारी KD ज़्यादा होती है, फिर बॉट भैया की लूट करेंगे, उसके बाद हम सीधा निकलेंगे अपार्टमेंट में, क्योंकि गैस पुचिंकी वाली साइड पे जोन नहीं था, और हमारे पास है फ्लेयर गन यानी पिचकारी, तो हमें जाके स्कूल के अपार्टमेंट यानी सियालकोट में चलानी है, तो हम सीधा वहाँ पे जाएंगे। तो गैस यहाँ पहुँचने के बाद हमने चलाई फ्लेयर, मुझे लग रहा था यहाँ पे हमें बंदे मिलेंगे, बट अच्छी बात थी यहाँ पे कोई नहीं था,
काफ़ी खुशी हुई क्योंकि दरवाजे भी बनते हैं और मेरे पास स्टिल M16 थी, हमारी M416 हमें नहीं मिली थी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी लूट की पूरी बिल्डिंग, बट यहाँ कोई नहीं आया। गज यहाँ पे ना दो स्क्वाड आने वाले हैं, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि यहाँ पे मैं कैसे निकाला आप लोग को। ये बंदा आ रहा था रिपेट करने, ठीक है। इन्होंने काफ़ी चिल्लाकी की, ये पीछे गाड़ी रोक के आराम से आ रहे थे ताकि शक ना हो। और एक बंदा जो ड्रॉप पे आया उसको ये डाउन कर देंगे, अकल इस्तेमाल कर रहे थे। एक बंदा मैंने डाउन किया गज, मुझे लगा ये सिर्फ दो बंदे हैं। तो दूसरा वो पत्थर के पीछे था, आपको भी नज़र आ गया होगा, मुझे भी आ गया था, उसने बॉट को मारा था वहाँ पे। और यहाँ पे गैस मैंने दोनों नॉक कर दिए, मुझे लग रहा था सिर्फ दो बंदे हैं, तो मैं इनको मार के एकदम चिल हो गया कि इनके टीममेट्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अलग से स्क्वाड आ जाता है, अलग गाड़ी आ जाती है। अब गैस यहाँ पे ना जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का टाइम है, और मैं आपको बताऊँगा मैंने कैसे लिया। ये बंदा ऊपर यहाँ पर आ गया था, इसको मैंने देखा यहाँ पे शॉट लेने का ट्राई किया बट नहीं नॉक हो पाया, बट फिर मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करूँगा। इसके बाद में नेट था, नेट से मुझे डैमेज तो हुआ, अच्छा नेट कर रहा था ये, बट मैं इसको यहाँ पे नॉक किया फ़ौरन से मौली की, लेकिन वो पीछे जा चुका था तो मतलब मौली से डैमेज नहीं हुआ और मुझे किल भी नहीं मिला। गैस अब यहाँ पर होता है मुझ पर पीछे से वापस हमला, जो कि मुझे लग रहा था दो बंदे लेकिन वो थे तीन। और जब मुझे एसकेस पड़ी ना तो मुझे लगा भाई मेरे किल भी गए पहली चीज़, दूसरा अब मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। तो यहाँ पे गैस मैंने एक अकल इस्तेमाल की, वो मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे क्या सोचा था यहाँ पे। अब देखो गैस जो बंदे गाड़ी लेके आए ना बाद में, ठीक है, अब ये आपका अच्छे से समझने का टाइम है। जो बंदे पीछे से गाड़ी लेके आए रेड वाली लाइक वहाँ से जो बाद में है ना गाड़ी लेके, उनको नहीं पता कि मैं अलग हूँ और जो पीछे बंदे हैं ओपन में वो अलग हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता। वो ये भी सोच सकते हैं ना कि लाइक ड्रॉप लूटने के लिए बंदे पीछे चले गए। तो मैंने यहीं पर बस तुक्का मारा कि हाँ ये प्लानिंग करते हैं कि उनको लगेगा सिर्फ दो ही टीमें हैं, लाइक एक वो हैं और एक सामने ड्रॉप वाली टीम है, हालांकि मैं अलग हूँ। तो वो आपस में लड़के ना एकदम चिल हो जाएंगे और उनको लगेगा कि बस मतलब यही बंदे थे मार दिया, तो मैं इसलिए ना चुप करके अलग बिल्डिंग में आ जाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे अकल इस्तेमाल की और फिर वो आपस में लड़ने भी शुरू हो जाते हैं। और उनको इस बात पर यकीन भी हो गया था कि जो ऊपर बिल्डिंग में बंदा था वो इन्हीं का बंदा था जो ओपन में थे। तो यहाँ मैं थोड़ी सी अकल लड़ाई और फिर पूरी बिल्डिंग लूटी। और मैं एक चीज़ का वेट करता, मुझे गैस आइडिया हो गया था क्योंकि जिनको मैंने पहले डीपी से मारा ना उस स्क्वाड से अच्छा स्क्वाड ये था जो बाद में आया नेट किया जिसने, लाइक आपको स्क्वाड देख के अंदाज़ा हो जाता है कि वो कौन सा स्क्वाड अच्छा है। तो मुझे लाइक आइडिया था कि ये जो बाद में है ना ये उनको मार देंगे जो ओपन में है, तो ऐसा ही होता है वो लोग उनको मार देते हैं। और इसके बाद मेरा वही प्लान काम आता है, यहाँ पे मुझे पता चलता है ये थोड़ी सी बेवकूफ़ी होगी कि मेरी डीपी रिलोड लग गई और वो बंदा कवर में चला गया। मेरा प्लान जो एकदम काम आ जाता है कि वो लोग ओपन में मारने चले जाते हैं, उनको लगता है ऑल डेड और मैं पीछे से अलग बिल्डिंग से जाकर इनकी थर्ड पार्टी करता हूँ। और ये दोनों बंदे गैस फिर मैंने चिल्लाकी से फिनिश कर दिए। थोड़ा सा नुकसान हुआ कि मेरे किल चले गए, बट हमने ना बड़ा लाइक अकल इस्तेमाल करते हुए अपने आप को इस सिचुएशन से निकाला, वरना बीच में हम सैंडविच हो जाते। उसके बाद इनका ये आखिरी बंदा था, मुझे लगा दो होंगे क्योंकि दो बंदे मैंने फिनिश किए थे, बट ये लोग भी तीन थे और पीछे वाले भी तीन ही थे। तो ऊपर जो बंदा बचा वो आखिरी है, मैं आराम से यहाँ पे हील वगैरह कर रहा था और मैं इसलिए यहाँ पे साइड पे खड़ा हूँ गाइस क्योंकि उसको मेरी पोजीशन पता है और वो नेड ना कर दे तो यहाँ पे नेड का डैमेज ही होगा, मैं नॉक नहीं होऊंगा, इसलिए मैं साइड पे खड़ा था। तो जब मैं देखा वो नेड नहीं कर रहा, समझ गया उसके पास नेड नहीं है, फिर मैं अपने डीपी निकाल के उसका वेट किया और फिर मैं उसको यहाँ पे मारा। मैं पीछे हो गया था जैसे ये नॉक हुआ, बट जब फिनिश हुआ मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था गाइस। उसके बाद हमने आराम से अपनी डीपी रिलोड की, जंप किया बिल्डिंग से और जाके ऊपर वाले भैया के क्रेट लूटेंगे। वो कार98 से मार रहा था, बट अच्छी बात ये थी मैं इसलिए रिस्क ले रहा था गाइस क्योंकि मेरे पर लेवल 3 था, तो इसलिए मैं पीक करके खड़ा था। अगर लेवल 2 होता ना फिर थोड़ा सा होता मैं नेड वगैरह करता, आपको भी करना चाहिए था अगर आपको लेवल 2 है, बट जो कार98 है वो लेवल 3 से नॉक नहीं करेगी, लाइक फिनिश नहीं करेगी, हेलमेट उड़ जाएगा और आपकी HP 2 या 3 रह जाएगी, लाइक ऐसे करके आप बच जाओगे। तो इसलिए मैंने रिस्क लिया, DP थी 4x था, उस पर मुझे यकीन था तो मैंने इसलिए आखिरी बंदा यहाँ पे डाउन किया गाइस। ऊपर वाले एक क्रेट लूटी, अब हम अपना ड्रॉप लूटेंगे। ड्रॉप की लालच नहीं करनी चाहिए गाइस कभी भी, आपको अगर लग रहा है ना कि आपका ड्रॉप लूट लेंगे और ओपन कर लेंगे उस चक्कर में आप अक्सर मर जाते हो, तो उसका नहीं लिया करो। ड्रॉप को बस ऐसे यूज़ किया करो बंदे बुलाने के लिए और किल के लिए बस। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ड्रॉप आए और फौरन भाग जाओ ना, ऐसा नहीं किया करो, कहीं नहीं जाएगा आपका ड्रॉप। जैसे देखो दो दो टीम्स थी, अच्छी टीम थी और मैं अकेला, ये भी नहीं कि मेरे पास स्क्वाड है और फिर भी ड्रॉप मुझे मिला। तो इसलिए आराम सुकून से ड्रॉप के पीछे मत भागा करो, वेट किया करो, उसके बाद आप ड्रॉप की लूट इजीली ले सकते हो। पहले मैंने ग्रोजा उठाई बट फिर मेरा दिल नहीं किया, मैंने कहा नहीं एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉप पड़ा है और ग्रोजा के पास मेरे पास एक्सटेंडेड मैग भी नहीं था, तो मैंने इसलिए MK उठाई। उसके पास एक्सटेंडेड है क्विक वाला तो वो ली। उसके बाद हम यहाँ से बिल्डिंग से जंप करते हुए अलग ही तरीके से उतरेंगे नीचे बिना डैमेज खाए और उसके बाद इन्हीं की गाड़ी उठाते हैं।
और इनकी गाड़ी लेके जाएंगे जोन में जो कि काफ़ी दूर बन चुका है, लेकिन अभी भी गेम प्ले ऐसा होता है ना कि एकदम आगे बोरिंग रह गया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो उसके बाद हम पहुंचे स्क्वाड्स में जो कि एकदम मिडिल में था, और मज़े की बात इसके पास में ड्रॉप भी हो रहा था। तो पहले तो मुझे नहीं पता था, बट जब मैं ऊपर जाऊँगा ना छत पर मुझे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर गाइस एक ड्रॉप भी हुआ है हमारे पास में, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाड़ी लगाएंगे मज़े से, और इस वीडियो पे गाइस आपको 45,000 लाइक्स करने हैं। मुझे नहीं पता कैसे करोगे, बस मुझे ये अपनी एनोनिमस की पब्लिक पे पूरा यकीन है कि हमारी पब्लिक जो है वो 45,000 लाइक्स कर देगी। तो आपके लिए गिली चुम्मी है, नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने कर दिया, मुझे पता आपको नहीं चाहिए बट मैं ज़बरदस्ती दूंगा, हाँ पहले बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पर ड्रॉप आता है, और ड्रॉप के चक्कर में एक गाड़ी भी आ जाती है, पूरा स्क्वाड आ जाता ड्रॉप पर, और मैं कुत्ते पर देख भी लेता हूँ वहाँ पर। गज में इतना डैमेज दिया बाकी तीन बंदों को भी, बट गाड़ी से धुआं निकलने लग गया, बट जो एक और बंदा नहीं गिरा। अब गज ये ऐसी जगह पे आ चुका है, आपको ना आपको पता होना चाहिए कि जहाँ एनिमी है वहाँ आपके नेट जा सकते हैं या नहीं जा सकता। मुझे आइडिया था कि मेरा नेट मेरा मौली उस दरख्त तक चली जाएगी, तो मैं उसको फिनिश करने की बिल्कुल ट्राई नहीं की। मैं चाहता था कि उसके टीम मेट्स आएँ उसको रिवाइव करें, और उस टाइम पर मैं वहाँ पर बंदा डाउन कर दूँगा, ऐसे कुछ ये मेरी प्लानिंग थी। तो मैं आराम से वेट कर रहा था, मुझे कोई जल्दी नहीं थी, स्मोक कर रहे थे। देखो गाड़ी में आते आते स्मोक करते ड्रॉप पे, लाइक कितना नेक्स्ट लेवल वो था, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करो लड़कियों का। तो यहाँ पे गैस दो अलग स्क्वाड की वहाँ पे फाइट हो जाती है, दो दो गाड़ी घूम रही थी और ये लोग आपस में लड़ने लगते थे। मैं आपको बता दूंगा ये रैंक पुश का गेम प्ले है, ठीक है। आज हम करेंगे डायमंड 1, आपके सामने मैं डायमंड 4, 3, 2 कर लिया, आज हमारा इंशाल्लाह 1 हो जाएगा, और कल हम इंशाल्लाह कॉन्करर तो लग चुका है, लॉल कॉन्करर लग चुका है गैस हमारा FPP में। तो नेक्स्ट सीजन हमें वो एंट्री वगैरह भी मिल जाएगी, टाइटल भी मिल जाएगा। तो ये ऊपर से दूर बंदे देखा आपने गाइस, ग्लिच हो रहे थे रिजिस पे थे वो, और ऐसे आपको गाड़ी भी ग्लिच हो जाती है, बंदे भी ग्लिच हो जाते हैं, मुझे भी हो रहे थे। और फिर मैं वापस से वहीं देखा जहाँ बंदा नॉक था, अभी तक उसको कोई रिवाइव देने नहीं आया। तो बस फिर मैं कहा भाई अब इसको कोई आएगा नहीं, और रिस्क नहीं लेता क्योंकि मैं दो जगह फाइट ले रहा हूँ, मॉली करके उसको कर देता हूँ फिनिश। तो जैसे ही मैं मॉली करता हूँ दो दो जगह स्मोक हो जाती है, उसको रिवाइव देने बंदा भी आ रहा होता है। यहाँ पे मेरा स्प्रे एकदम मिस हुआ, वो कंफर्म हो चुका है गाइस, इसको जस्ट मैं डैमेज दिया और ये मॉली से नॉक हुआ, ये गन से नॉक नहीं हुआ गाइस, मॉली से नॉक हो गया ये। और फिर इसी के टीममेट है गाइस, ये इसी के टीममेट है। यहाँ पे मैंने एंड में थोड़ा सा स्प्रे मेरा गलत हो गया, एक बंदा मैंने डाउन कर दिया, एक फिनिश हो चुका है, और एक पहले डाउन किया था तो सिर्फ ये आखिरी बंदा था, मैंने MK40 निकाली रश कर दिया, और मुझे पता था गाइस वो बिल्डिंग के अंदर आएगा। देखो यहाँ पे साउंड आया और मैं दरवाजे पे एम करके खड़ा हुआ था, मुझे पता है यहाँ पे। देखो झूठी मूठी तारीफ़ कर दो मेरी गाइस, थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर ली आपके नाने बस ने, और गीली चुम्मी दे दो, अगर नहीं दी थी पहले तो अब दे दो, और दे दी थी तो दोबारा दे दो गाइस। फिर यहाँ पे स्क्वाड को किया वाइप, और जब मैं छत पे जाता हूँ मुझे एक और बंदे का साउंड आता है कि करीब से आ रहा है, फिर हम आ गया। इसको भी हम यहाँ पे MK से फिनिश करते हैं, ये बेचारा अकेला खेल रहा था, रैंक पुश कर रहा था, सेफ खेला था, हमारे पाकिस्तानी भाई थे ये। वो देखो गाइस वो बंदे अभी भी ग्लिच हो रहे हैं, और अब मेरे पास एमओ नहीं थी, 40 MO गन में और 88 वैसे जो कि मुझे लगा काफ़ी कम है, तो लाइक मैंने डिसाइड किया भाई जाके ना एमओ उठानी पड़ेगी हमें। लेकिन दिन में गाइस यहाँ पे सामने ना वो बंदे ना सामने से आ रहे थे, तो मुझे नज़र आए, मैं स्कोप खोल के, तभी नहीं आए थे जब स्कोप खोला ना तब नज़र आए गाइस, और फिर मैं टैप टैप मारना स्टार्ट कर दिया, 7-8 गोलियाँ उसको लगी शायद से, और फिर वो नॉक हो गया, बट वो कन्फर्म नहीं हो पाया। यार भी भैया बड़े लकी है हमारे, ये मुर्तज़ा भैया ये जाके रिवाइव हो जाएंगे, उसका टीममेट भी रिश के पीछे जा चुका है। अब मुझे पता है यहाँ पे बंदे गाइस, तो उससे पहले रश करने से पहले मुझे चाहिए एमओ, और एमओ लेने के लिए हम जाएंगे वापस से नीचे वाली बिल्डिंग में। ओपन में मैं नहीं जा रहा, कोई भी बॉडी काफ़ी बॉडीज़ ओपन में है, मैं वहाँ नहीं जा रहा। आपने देखा होगा स्कूल में भी काफ़ी बॉडीज़ ओपन में थी, बट मैं रिस्क नहीं लिया, मुझे अपना गेम प्ले ख़राब नहीं करना था गाइस, तो इसलिए आपके एनोनिमस ने सब्र से काम लिया और बिला वजह मौत के मुँह में जाने का फैसला नहीं किया। गाड़ी उठाएंगे इन्हीं की, और उसके बाद गाइस हम ये जो सामने बंदे जहाँ नॉक किया था इन पे एंगल लेके इनको डाउन करने का ट्राई करेंगे, अकल इस्तेमाल करेंगे बाबा जी, देखी जाएगी जो होगा, अच्छे के लिए होगा नाड़ा, कच्चे के लिए होगा एनोनिमस की पब्लिक। अपनी गधा गाड़ी लेके हम थोड़ा सा हाइट पे रुकेंगे क्योंकि हाइट से हमें अच्छा एंगल मिल जाएगा, और बिल्कुल मैं जोन के एच पे आया था, और अभी मुझे नहीं पता था गाइस ये लोग जोन में हैं या नहीं है, तो मैं वो कैसे देखा वो भी आप लोग देखोगे। यहाँ पे आके मैं जम करके देखने लगा कि वो लोग हैं कहाँ पे, पोजीशन सही से पता नहीं थी, स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, बट वहाँ पे फिर मुझे वो लगा कि यहाँ पे बंदा मुझे नज़र आया हल्का सा, तो मैं वहाँ पे मतलब अब समझ आ रही थी कि वो उस साइड पे जा चुके हैं एकदम राइट में। अब जोन आ रहा था और मुझे नहीं पता था ये लोग बंदे जोन में हैं या नहीं है, तो मैं मैप में देखा और यहाँ पे मार्क किया, मार्क करके मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये 132 मीटर है, तो ये जोन में नहीं है, इतना दूर जोन में नहीं है, तो फिर मैं लेट किया यहाँ पे।
पहले को डाउन किया गया, दूसरा जब लो हो गया था वो दरख्त के पीछे चला गया था, लेकिन मैं स्प्रे नहीं रोका, रैंडम स्प्रे में मारता रहा दरख्त के अंदर से और बंदा डाउन हो गया। तो ऐसे करके दोनों हो गए फिनिश बाबा जी। और उसके बाद हम जाएंगे सीधा जो कंपाउंड जोन में है वहाँ उसकी तरफ जाएंगे। और यहाँ पे पाकिस्तान स्क्वाड जिंदा था बेचारा, ये लोग रैंक कुछ करने वाले लग रहे थे। तो 1v3 था गाइस, ये चार अलाइव थे। पहले मैं ऊपर आया तो मुझे यहाँ पे गाड़ी का साउंड रहता था, एक गाड़ी रुकी तो मैंने देखा वाकई में पीछे गाड़ी रुकी थी। हमने अपने घर गाड़ी मोड़ी, नीचे की तरफ जाएंगे और रिच पे रुकेंगे, डायरेक्ट रश नहीं करूँगा। तीन तीन बंदे बेवकूफ़ी नहीं करनी गाइस कोई, इसलिए मैं पीछे गाड़ी रोक दी। अब मैं चाह रहा था कि कोई बंदा मेरे सामने आए विंडो में और मैं वहाँ से उसको डाउन कर दूँ। ये लोग लाइक काफ़ी मेरी तरह ना थोड़े नूप थे ये लोग, और इनको मारना थोड़ा सा ईजी था। लाइक मुझे लग रहा था कि चिकन हाथ से निकल जाएगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब आपके नसीब में कुछ हो तो वो आपको मिल के रहता है। वो बंदा नीचे था, उसको डाउन किया, दूसरा विंडो में आ रहा है, यहाँ पे स्प्रे किया, रीलोड करेंगे। ये बंदा नीचे से दूसरी बिल्डिंग में जा रहा है, इसको डाउन किया है, दूसरा नीचे वाली बिल्डिंग में जा चुका है। इनमें एक ही बंदा अच्छा खेल रहा था गाइस, जिसके किल फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम भी आ रहा था, वो आई गेस आखिरी बंदा था। मैं नेड निकाला, बंदा जहाँ आता है मैं नेड वहीं फेंक देता हूँ, ये आपको देखने से भी लग रहा होगा लो हैं थोड़े से बंदे। तो आखिरी नेड में बस बरसात कर दी, मुझे नहीं पता था बंदा कहाँ पर है, हर जगह नेड वेट कर रहा था मैं। फिर उसके बाद साउंड आता है नीचे की तरफ रिवाइव दे रहा है, तो मैं यहाँ नेड करके टीपीपी लेने लगा बस। और ये आखिरी वाला भी बेचारा घबरा गया था काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस इंशाल्लाह यार इसका गेम प्ले भी जल्दी आने लगेगा, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा रैंक पुश करें ना, मैंने थोड़ा सा वो कर दिया सीज़न कैफे भी पुश कर लिया, तो मेरा लेट हो रहा रैंक। देखो डायमंड 2 था गाइस, काफ़ी अच्छे प्लस हुए हमारे, और हमारा सीधा हो गया डायमंड 1। अभी जाना मत, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं आपको पॉपुलैरिटी दिखाने वाला हूँ कि हमारे भाई लोग जो हमें पॉपुलैरिटी भेजते हैं उनका। समटाइम मैं आपको पता है दिखा देता हूँ वीडियो में कि कौन कौन भेजता है, कौन कौन टॉप में, क्योंकि वो इतना प्यार दिखाते हैं तो वीडियो में दिखाना तो बनता है ना कि कौन कौन है। टॉप 10 दिखाते थे पहले, आज हम आपको टॉप 20 दिखाएंगे। और ये रहे हमारे टॉप के भाई लोग जो पॉपुलैरिटी भेजते हैं। और गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। एनोनिमस की पब्लिक ऐसे प्यार दिखाते रहो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक। अल्लाह हाफिज़।